बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेसन वी टॉक्ड अबाउट द टॉपिक हाउ डज साउंड ट्रैवल। हमने देखा और उसमें कुछ मेजर पॉइंट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए कि साउंड जो है वो किस अंदाज में ट्रैवल करती है और उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वी डिस्कस्ड डैट द साउंड नीड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। इसके अलावा भी हमने इसके बारे में पढ़ा और डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 11। द क्वेश्चन इज हाउ डज साउंड ट्रैवल, यानी हमारे जो लास्ट लेसन था उससे मुतलका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हमने पेज नंबर 53 किया था वर्कबुक का, आई होप आपने उसको लर्न कर लिया होगा। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो इसी टॉपिक के साथ रेलिवेंट है। सो बी रेडी टू राइट डाउन द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 11। ओके जी, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज साउंड ट्रैवल। 5 मेजर पॉइंट्स आर गिवन इन द आंसर। ये आपका आंसर है, पॉइंट की शक्ल में है, आप भी इसी तरह बुलेट्स बना के इसको कर लेंगे, बट योर पैटर्न शुड बी अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न टू यू। कौन सी नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? 2 लाइंड नोटबुक इस्तेमाल होगी और लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन है, डबल मार्जिन लाइन आप लगाएंगे 1 इंच मार्जिन के साथ, और राइट साइड पे सिंगल लाइन आप लगाएंगे 1/2 इंच मार्जिन के साथ, और क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर के साथ। और जो प्रेजेंटेशन का पैटर्न आपको शुरू से सिखाया जा रहा है इन वीडियो लेसन्स में, उसी को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे। तो हाउ डज साउंड ट्रैवल, द आंसर इज, नंबर 1 पॉइंट इज, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस। वही पॉइंट्स हैं जो हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किए थे रीडिंग करते हुए। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट ईच अदर। थर्ड पॉइंट इज, साउंड एनर्जी नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, द मीडियम मे बी गैस, लिक्विड, सॉलिड। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके जी, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 11। यही आपकी डायरी है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 11, यही आपकी डायरी होगी। ठीक है जी, आप डायरी को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और आपने फौरी इसको याद भी कर लेना है। आई एम गोइंग टू रिपीट द डायरी, द डायरी इज इन फ्रंट ऑफ यू, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 11। क्लियर है जी? आपने क्या करना है, आपने फौरी इसको कर लेना है और करने के बाद इसको एक दफा लिख भी लेना है, रफ पे भी एक दफा लिख लेना है जुबानी याद करने के बाद, ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो पक्का हो जाए। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।